मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार सब्जी मंडी के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:12 पर बाइक सवार दो अपराधियों ने कैश वैन से 88 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने वैन के गार्ड पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। गार्ड जख्मी हो गया, फिर भी जवाबी कार्रवाई में गार्ड ने भी अपराधियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। इसमें एक अपराधी घायल हो गया। गोली लगने के बाद वो बाइक पर बैठकर दूसरे साथी के साथ भाग निकला। बताया जाता है कि गार्ड की फायरिंग में एक अपराधी भी जख्मी हुआ है। गोली की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वैन में रखे गए करीब 88 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। सूचना पर सिटी एसपी राजेश कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश समेत अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। दोपहर 3:12 पर मेन ब्रांच ले जाने के लिए कैश वैन में कैश लोड किया जा रहा था। गार्ड विजय सिंह और एक अन्य गार्ड अखिलेश कुमार कैश वैन की सुरक्षा में थे। इसी बीच एक बाइक सवार दो बदमाश वैन के पास पहुंचे। एक बदमाश नारंगी रंग की शर्ट व काले रंग का पैंट पहने हुए था, जो बाइक पर ही रहा। दूसरा बदमाश मटमैला रंग की शर्ट व सफेद पैंट पहने हुए था। वो बाइक से उतरा और बैंक की ओते ही गेट पर खड़े गार्ड विजय सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद भी गार्ड ने जवाबी फायरिंग की। दूसरे गार्ड ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से हड़बड़ाए बदमाश भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि एक अपराधी की कमर के नीचे पीछे से गोली लगी है। इसके बाद भी वो बाइक से भाग निकले। गोली से घायल गार्ड विजय सिंह का इलाज बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में हो रहा है। दिन दहाड़े वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। सूचना पर नगर थाने की पुलिस व नगर डीएसपी राम नरेश पासवान पहुंचे और घटना की छानबीन की। बैंक में लगे कैमरे और पुरानी बाजार सब्जी मंडी बनारस बैंक चौक रोड में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में लगे कैमरों के फुटेज को खंगाला। इसी दौरान बैंक के सामने लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद मिली। छानबीन के दौरान पुलिस को 4 खोखे मिले। इसमें 3 अपराधियों की पिस्टल और एक कैश वैन के गार्ड की बंदूक का खोखा बताया गया। पुलिस ने चारों को जब्त कर लिया। भागने के दौरान एक लुटेरे की काली रंग की टोपी गिर गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि बाइक सवार दो अपराधियों ने कैश वैन लूटने का प्रयास किया, गार्ड पर गोलियां चलाई है। गार्ड ने भी जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को जख्मी किया है। कैश सुरक्षित है। पुलिस टीम छानबीन में जुटी है। लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन कराने को शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती है। हर दिन आदेश के उल्लंघन में वाहन चलाने वाले व मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बावजूद बाइक सवार दो अपराधी हथियार के साथ कैश वैन को लूटने को पहुंच गए। इस घटना ने पुलिस की तमाम सुरक्षा व चेकिंग व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। आखिर किस तरीके से पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं कि दिन दहाड़े हथियार लेकर बाइक सवार अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने को आ गए, इसकी भनक तक नहीं मिल सकी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।